और बड़ी खबर इस वक्त नागपुर से आपको बता दें, जहां एक नामी डॉक्टर के 8 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। यश को 2 दिन पहले अगवा किया गया था। किडनैपर्स ने 15 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन यश की लाश एक नाले के किनारे से बरामद की गई है। पुलिस ने डॉक्टर के क्लिनिक के एक अकाउंटेंट और उसके एक साथी को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। नामी डॉक्टर जिसके 8 साल के मासूम को पहले किडनैप किया गया, फिरौती मांगी गई 15 करोड़ की, और अब उस मासूम की लाश नाले के किनारे से मिली है। पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के क्लिनिक के अकाउंटेंट और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पुलिस क्या कह रही है इस मामले पे, जो 2 आरोपियों को पकड़ा है, क्या उन्होंने कुछ कबूला है पूछताछ में? बिल्कुल कबूला है उन्होंने, और ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही युग की हत्या की है। और जिस तरह से 15 करोड़ की फिरौती के मामले में, मतलब ये सारा मामला चल रहा था, जिस तरह से आरोपी चाहते थे कि मुकेश चांडक जो युग के पिता हैं, वे 15 करोड़ रुपए लें, और 15 करोड़ से फिर 10 करोड़ पर बात आई। लेकिन हुआ यह कि युग के पिता मुकेश चांडक ने पुलिस को संपर्क करके पूरी जानकारी दे दी, जिसके तहत पुलिस आरोपियों के लगातार पीछे पड़ गई। और जब पुलिस पीछे पड़ती देख, आरोपियों ने देखा कि अगर हम अगर युग को अब छोड़ते नहीं है, युग के बारे में कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग फंस सकते हैं। तो आरोपियों ने बड़ी निर्ममता से युग की नागपुर से करीब 40-45 किलोमीटर दूर ले जाकर एक पाटन सौंगी इलाके में पुल के नीचे उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया। जिस तरह से आरोपी भी घबराए हुए थे कि कहीं पुलिस हमें पकड़ न ले, तो सबूत मिटाने की दृष्टि से और कोई गवाह न बने इस केस में, ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए आरोपियों ने बड़ी निर्ममता से पैसे की लालच में किडनैप किया, और फिर जब देखा कि खुद को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शुक्रिया राजेश इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।